एक संत के पास एक व्यक्ति जाता है और जाकर के कहता है कि महाराज मुझे शांति चाहिए। संत ने कहा कि मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती? कहां मिलती है महाराज, दर दर भटकते हैं, जगह जगह जाते हैं, शांति कहां मिलती है हमें? हम सांसारिक जीव, आप तो साधु बन गए, आपको शायद मिलती होगी, हमें शांति नहीं मिलती। घर पे जाए तो घर में परेशानी, व्यापार में जाए तो व्यापार में परेशानी, दुकान में जाए तो दुकान में परेशानी, मित्रों के साथ जाए तो वहां पर परेशानी, जहां जाए वहां परेशानी हमारा पीछा नहीं छोड़ती, शांति हमें मिलती ही नहीं है। महाराज ने बात सुन ली, कहा कि मैं तुझे गारंटी देता हूं तुझे शांति मिल जाएगी। महाराज कैसे मिलेगी, कहां से मिलेगी? मुझे शांति चाहिए, बस बिना उसके काम नहीं चलेगा, आई वॉन्ट पीस। महाराज ने कहा एक काम कर, तुझे शांति चाहिए ना? हाँ महाराज, वही तो आपसे कहने के लिए आया हूं, वही तो आपको बताने के लिए आया हूं कि आई वॉन्ट पीस, मुझे शांति चाहिए। महाराज ने कहा कि कागज के ऊपर लिख आई वॉन्ट पीस। व्यक्ति ने कागज के ऊपर आई वॉन्ट पीस लिखा। महाराज ने जो आई लिखा था ना, आई, उसके ऊपर क्रॉस कर दिया, कहा कि आई वॉन्ट पीस, तुझे चाहिए, तुझे शांति चाहिए, तो सबसे पहले आई निकाल दे। आई का मतलब हूं, अभिमान, हूं पढ़ू, हूं पढ़ू, अपने लख्यो रे कि हूं करूं, हूं करूं, ए जो अज्ञानता सकटनो भार जेम स्वान नाणे, कीधु के गाड़ारी नीचे कोई कूतरू चालतो है ने, એટલે એને એમ લાગે હું નીકળી જઈશ તો ગાડું નીચે પડી જશે, એમ તમને બધાને એમ લાગે છે કે હું જતો રહીશ, હું જતી રહીશ તો આ સંસારનું શું થશે? આઈ જો જીવન મેં આપકો સબસે જ્યાદા પરેશાન કરને વાલા તત્વ હૈ વો હૈ આઈ। મહારાજ ને આઈ કે ઉપર ક્રોસ લગા દિયા, કહા કે આઈ હટા દે તુજે શાંતિ મિલ જાયેગી। યુવક સમજ ગયા, સમજદાર થા, વો વ્યક્તિ આયા હુઆ થા, બહોત જગહ પે ઘૂમ કર આયા થા, લેકિન કિસી ને આજ તક એસા પ્રત્યુત્તર નહીં બતાયા થા, બડા સમજદાર થા વો ઇન્સાન, વો સમજ ગયા કે અભિમાન કો હટાને કી બાત કર રહે, ઠીક હૈ મહારાજ જી મેં જા રહા હું, નિકલ ગયા, ઓર જહાં જહાં સે હો સકે અભિમાન કો છોડને કી બાત કરી, અભિમાન કો તોડને કી બાત કરી, જહાં જહાં ઉસે લગતા થા કે મેં ઓર મેરા, મેં ઓર મેરા, મેં ઓર મેરા, યે મંત્ર મેરે હૃદય મેં ચલતે રહેતા હૈ, વહાં સે નિકલને કી બાત કરી। और एक महीने में उसे फील हुआ कि बहुत कुछ जीवन शांत हो गया, बहुत कुछ जीवन शांति से भर गया। उसे लगा लेकिन फिर भी अभी 100% शांति तो नहीं है मेरे पास, कहा कि वापिस महाराज के पास जाता हूं। युवक वापिस महाराज के पास गया कि भगवान आपका उपाय कारगर तो निकला, आपके उपाय से कामयाबी तो मिली लेकिन 100% नहीं मिली। महाराज ने कहा बैठो, बिठाया, झोले में से वो कागज निकाला जो उस दिन लिखा हुआ था, जहां आई के ऊपर क्रॉस लगाया हुआ था। महाराज ने कहा देखो ये कागज के सामने आई के बाद क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वॉन्ट। वॉन्ट के ऊपर क्रॉस लगाया, कहा कि पहले आई हटाना है और दूसरे नंबर में वॉन्ट, मुझे जो चाहिए, चाहत। आज का आदमी डिजायर में जीता है, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। कहा कि तूने आई तो हटा दिया, तेरा अभिमान तो कम हो गया लेकिन तेरी इच्छाएं कम नहीं हुई, बहुत इच्छा है तेरे जीवन में, यहां पहुंचना है, यहां जाना है, गाड़ी लेना है, बंगला लेना है, घर बनाना है, ये करना है, वो करना है, हजारों इच्छाएं तेरे जीवन में चल रही है, ऋषि वजह से तुझे शांति की प्राप्ति नहीं हो रही है। युवक को समझ में आ गया कि महाराज जी ने बड़ी मुद्दे की बात करी। उसने कहा ठीक है, कोशिश करता हूं महाराज जी, और वो युवक निकल गया। एक महीना पुरुषार्थ किया, कोशिश करेंगे, कोई नई इच्छा पैदा नहीं करनी, पुरानी जो है उसके पीछे लगे हुए ठीक है, लेकिन कम से कम एक महीना यह पुरुषार्थ मुझे करना है, कोई नई इच्छा मेरे हृदय में, मेरे जहन में, मेरे मन में पैदा नहीं होनी चाहिए। एक महीना यह पुरुषार्थ करके महाराज जी को ढूंढते ढूंढते वो संत के पास पहुंचा और संत के पास जाकर कहा कि भगवान चमत्कार हो गया, मिरेकल हो गया, क्या हुआ? आई निकल गया और उसके बाद में वॉन्ट निकल गया, जीवन में पीस ही बचा और कुछ बचा ही नहीं। आपके भी जीवन में शांति चाहिए तो रास्ता यही है, पहले आई को हटाओ। जहां जहां आप यह शब्द इस्तेमाल करते हो मैं और मेरा, ये जहां जहां इस्तेमाल होता हो वहां से हटाओ। ये दो मंत्र आपके मंत्र बन गए, मैं और मेरा। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जीवन में जहां जहां आई,
जहां जहां आपका अभिमान खड़ा होता हो, क्योंकि अभिमान ऐसी चीज है जो सामने वाले को ही पता चलती है, हमें पता नहीं चलती। सामने वाला ने समझाया, पढ़ने ना समझाया, हमें तो लगता है कि हम सब सही कर रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम कहां अभिमान कर रहे हैं, हम कहां ईगो कर रहे हैं, हमारे जीवन में कहां अभिमान है, हमारे जीवन में कहां ईगो है, ये हमें फील होते रहता है। इसलिए शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि जीवन में समझ लेना, इफ यू वांट पीस फर्स्ट डिलीट आई देन डिलीट वांट। यदि आपको शांति चाहिए तो पहले आई को हटाओ यानी अहंकार को हटाओ, और दूसरे नंबर में वांट यानी इच्छाओं को हटाओ। जितनी इच्छा कम होती जाएगी उतनी शांति बढ़ती जाएगी, जितना अहंकार कम होता जाएगा उतनी शांति बढ़ती जाएगी। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की यूट्यूब चैनल को, और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।